टेक्निकल इन्फो में आपका स्वागत है स्टेप बाय स्टेप हेल्प। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर, और आपको पैन कार्ड 3 से 4 घंटे के अंदर मेल आईडी में डिजिटल पैन कार्ड मिल जाएगा। फिजिकल पैन कार्ड की बात करें तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर बाई पोस्ट आपके घर पहुँच जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके पास एक मेल आईडी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, और यहाँ टाइप करना है NHDL। जैसे आप NHDL टाइप करते हैं और इसको सर्च कर लेना है, जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस नज़र आएगा। आपको ऊपर देखने मिलेगा NHDL ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस नज़र आएगा, आपको यहाँ चूज़ करना है न्यू पेन एंटर। उसके बाद इंडिविजुअल चूज़ करना है कैटेगरी में, उसका टाइटल चूज़ कर लेना है श्री। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम टाइप करना है, जैसे कि दिनेश कुमार है तो पहले कुमार उसके बाद दिनेश, उसके बाद फर्स्ट नेम चूज़ करना है। तो चूज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, तो आप कैलेंडर लेके चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी टाइप करना है फ्रेंड्स। ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका ईमेल आईडी में डिजिटल पैन कार्ड आएगा। तो अपना ईमेल आईडी एक अच्छा सा ईमेल आईडी डालें और यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर टाइप कर दें। चलिए मोबाइल नंबर डायल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आएगा, आपको यहाँ चेक मार्क कर देना है बॉक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा टाइप करना है, जो आपका कैप्चा लिखा हुआ सेम उतार देना है यहाँ पर। कैप्चा टाइप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं लोडिंग लेगा फ्रेंड्स, आपको वेट करना है कुछ समय। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने एक नया इंटरफेस नजर आएगा। आपका इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट। अगर आप यहाँ टोकन नंबर लिख भी सकते हैं अपना कॉपी पर। उसके बाद कंटिन्यू विथ पेन अप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन पेन अप्लीकेशन। उसके बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना, कुछ समय वेट करना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको सीधे नीचे आ जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट टाइप करना होगा। आपका आधार कार्ड का लास्ट 4 अंक टाइप करें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज कर लेना है यस। उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना, सीधे नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करके सीधे नीचे आ जाना है। यहाँ पे जेंडर चूज़ कर लेना अपना मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम टाइप करना है, जो अपना पैन कार्ड में नाम रखना चाहते हैं वो पैन कार्ड में, तो वहाँ पर टाइप कर सकते हैं फादर्स नेम। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पहले लास्ट नेम टाइप किया जाता था फर्स्ट नेम। उसके बाद मदर्स नेम आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा फ्रेंड सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपका इनकम है तो इनकम दे सकते हैं, अगर इनकम नहीं है तो नो इनकम पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाना फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको सीधे नीचे आ जाना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको कंट्री चूज़ करना है अपना, जो जिस कंट्री से रहते हैं कंट्री का नाम डालना है यहाँ पे, जैसे इंडिया से तो इंडिया। उसके बाद एरिया का एसटीडी कोड फ्रेंड, जैसे आप जिस जिला का हैं उस जिला का एरिया का एसटीडी कोड 0654, पूर्णिया का 0654। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर, तो आपको जानने के लिए आपको यहाँ इंडियन सिटीजन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। आपका सारा कोड ले लिया जाएगा। उसके बाद अपना सिटी चूज़ करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एरिया कोड, AO नंबर सब ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, सीधे स्क्रॉल डाउन करके सीधे नीचे आ जाना है।
उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना फ्रेंड्स। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, आपके सामने एक नया इंटरफेस नजर आएगा, आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है हिमसेल्फ फर्स्ट नंबर वाला। उसके बाद प्लेस टाइप कर देना है, आप जिस प्लेस जहाँ रहते हैं उस प्लेस का नाम टाइप करना है यहाँ पे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस नज़र आएगा, आपको यहाँ पे आधार कार्ड का 8 डिजिट फर्स्ट 8 डिजिट टाइप करना है, आधार कार्ड का 8 अंक पहला 8 अंक यहाँ लिखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे छोड़ देना फ्रेंड्स, सीधे नीचे आ जाना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सीधे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको सारा चीज़ चेक कर लेना है एक एक करके, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करके सीधे नीचे आना है। यहाँ पे कुछ नहीं टाइप करना, सीधे नीचे आ जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस नजर आएगा, आपको यहाँ पेमेंट का गेटवे नजर आएगा, आपको ऑनलाइन पेटीएम थ्रू चूज़ करना है। सेकंड नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको आई एग्री पे टिक मार्क करना है और प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ नज़र आएगा पे कन्फर्म, आपको पे कन्फर्म में क्लिक करना फ्रेंड्स। पे कन्फर्म में क्लिक कर देना है एक बार। जैसे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने एक नया इंटरफेस नज़र आएगा, देख सकते हैं आप। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग चूज़ कर सकते हैं आप यहां। तो मैं यूपीआई से कराना चाहता हूं फ्रेंड्स, तो यूपीआई पे क्लिक कर लेता हूं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर अपना UPI ID डालना है, तो चलिए डाल लेते हैं। डालने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपका 106 रुपया कटेगा फ्रेंड्स। जैसे पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको वेट कर लेना है कुछ समय। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग चल रहा है इसका, दे पेमेंट फ्रेंड्स जो कि ऑनलाइन कर चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको नीचे आ जाना, यहाँ पे एक बॉक्स बना, आपको चेक मार्क लगा देना, ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑथेंटिकेट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको कंटिन्यू विथ EKYC पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना फ्रेंड्स। उसके बाद आप जैसे जिस नंबर को आप लिंक है, आप उस नंबर पर एक OTP जाएगा फ्रेंड्स, आपको OTP यहाँ पर डालना है। चलिए मेरा OTP आ चुका है फ्रेंड्स, मैं आप यहाँ डाल लेता हूँ OTP अपना। जो नंबर आपका मोबाइल नंबर पर लिंक होगा वही नंबर पे आपको OTP आ गया। यहाँ पर OTP डालने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको कंटिन्यू विथ E-sign पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड यहाँ बॉक्स नजर आएगा, आपको बॉक्स में चेक मार्क लगाना है और यहाँ पर अपना एक आधार नंबर टाइप करना है, आपका पूरा आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर देना फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके नंबर पे एक OTP जाएगा फ्रेंड्स, आपको वो OTP यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए डाल लेता हूँ OTP। उसके बाद वेरीफाई OTP क्लिक करना है, कुछ समय वेट करना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स लोडिंग ले रहा है, वेट करना है कुछ समय। आप यहां पे आपको डालना है अपना आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है, वो अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पूरा डालना है। जैसे 16/10/1998 है तो उसी टाइप को यहां पे डालना है पूरा डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहां डाल लेता हूं फ्रेंड्स। उसके बाद डालने के बाद आपको OK पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं आपका पैन कार्ड जो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, आपका ये फॉर्म आपको नजर आएगा फ्रेंड्स। इस फॉर्म को आपको चेक कर लेना है, ऊपर नीचे चारों तरफ देख लेना है।
उसके बाद फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके रख भी सकते हैं, या इसको आप कैफ़े जाके या दुकान में जाके इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो डाउनलोड या पीडीएफ में क्लिक कर लेना है फ्रेंड्स, इसको डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड 3 घंटे के बाद मुझे मेल प्राप्त हुआ है। मेल में मेरा पैन कार्ड जो कि भेज दिया गया है। नीचे देखिए एक पीडीएफ है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दिस